इसी तरीके वाला थोड़ा सा तेज निकला था, ये थोड़ा सा धीमा रहा। अभी यहाँ से तुमको क्या लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीका की जीतने के कितने चांसेस हैं? चांसेस तो कम है, पर हाँ यही है कि विकेट लगातार लेना पड़ेगा। ऐसे बीट करना से काम नहीं बनेगा, आउट करना है। इसके कितने ओवर बाकी हैं? चार ओवर इसके बचे, चार समसे के। आठ ओवर में यदि मैच खत्म कर दे तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल। लेकिन जी बस मैं ये समझता हूँ कि देखें आप ये एक भी इंटरनेशनल विकेट जो है 141.5 वो नहीं बता रहे यार, क्या बोलते हैं, बता रहा ना 27% अभी साउथ अफ्रीका के चांसेस है। देखो अगर समझीन है ना, इंग्लिश का मुझे बहुत पता नहीं है, है ना। स्मिथ जो है नीचे लाइट तो बंद कर सकते नहीं बेटा, स्मिथ तो अगर आउट कर लेंगे ना, पुलिस रूम है, स्मिथ आउट हो गया ना तो मैच, स्मिथ आउट हो गया ना तो 40% हो जाएगा। कि स्मिथ का कैच छूट गया साउथ विकेट के, कब छूट गया था ना। फील्डिंग बहुत, लेकिन ठीक है फील्डिंग तो खराब थी इसमें, तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। मतलब कल भारत और अरे बमुमा दौड़ ही ले, कुछ नहीं कर रहा है तो दिखते। पहले शुरुआत तो बहुत तेज हुआ, 6 ओवर में 10 60 रन बने, लपेटा लपेटता है काम होता गया। हाँ बस चिल्लाओ तुम और कुछ मत करो। अरे इसका तो वीडियो बनना चाहिए, देखना आएगा इसका भी। हाँ तो उसका आएगा, एक में दिखाए थे वो हाथ 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 किए हुए है, बाकी लोग ऊपर ऊपर से मिला के चले गए, वो बेचारा नीचे से किए हुए है, फिर बाद में वैसे बोलता है उसके कारण, फिर बोलता है ये जाओ 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 जाओ। अरे अंदर नहीं घटी, एक 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 छोर से भी विकेट जाते रहेंगे तो भी प्रेशर आएगा, स्मिथ नहीं भी जाए तो भी जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आराम से बैठे ना, आप ही देखिए, देखना है नहीं तो जाइए घर, ऑस्ट्रेलिया के और 5% साउथ अफ्रीका। फिर वो डिफरेंस बड़ा जब वो पहले 6 ओवर में 60 रन बन गए थे, लेकिन उसके बाद पहले 10 ओवर में 90 रन बना, पहले ही बहुत रन, 10 ओवर में 60 रन थे। नहीं, एक समय पे 10 का रन रेट था इनका, 143 रन बना लिए, 5 विकेट हो गए, 25.3 ओवर, 6 ओवर में 60 रन थे तब। इसलिए क्या यहाँ पर रन का मतलब नहीं है, ये 50 ओवर खेलेंगे तो ऐसे जीत जाएंगे, समझ रहे हो ना। ज्यादातर इस लाइन से बॉल करें बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अगर बॉल क्विक टर्न हुआ जैसा कि हमने देखा है हो रहा है, तो उनके काफी चांस हैं कि गैप में से आउट कर सकते हैं, लेग बिफोर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको ज्यादातर बॉल इधर ही खिलाने चाहिए, और स्पेशली जो नए बैट्समैन आए हैं उनको इसी लाइन पे बॉल करना चाहिए। साउथ अफ्रीका की जो आज इनकी भी कमजोरी तो पता चली, स्पिन नहीं खेलते उन्हें, आप अपन अगला तो पिच ऐसी है, अगला पिच ऐसी स्पिन बनवा देंगे ना अपन, पिच वैसी है, वो पिच में कोई भी नहीं खेल पाएगा अपन, सर पिच स्पिन बनवा देंगे ना। अरे तो भारत वाले में नहीं खेल पाएंगे ना भाई, वो तो पिच वैसी है, जीत का जो अनुमान है इस तरह की पिच में क्या होता है ना, जो पहली बैटिंग करता है वो जीत जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि साउथ अफ्रीका उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, समझ रहे हो ना। उनके पहले 10 ओवर में ही इन्होंने मैच खत्म कर दिया, विकेट बचा के खेला, 4 विकेट गिर गए ना, तो वो 4 विकेट गिरने के बाद थोड़ा कुछ बचता है। बोल्ड है, अरे यार अब ऐसे इजी सिंगल दे रहे हैं, 166 रन तो चाहिए। Say hi to a world where everything is pre-powered. केशव महाराज ने 6 ओवर में 14 रन दिए, एक बॉल जड़ेजा ने इसको तब बढ़िया बोल करा था कि टप्पा खा के बैट नहीं कर वहीं रह गया, पहले ऑफ स्टंप एकदम ऊपर जाके कोने में लगी बस। फर्स्ट नंबर पे चल रहा है ना, अच्छी बात है।
213 का लक्ष्य है, 147 बन चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं। शमसी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो विकेट तो लिया है लेकिन वो रन बहुत दे रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब रन नहीं है तुम्हारे पास। और लाइन लेंथ बराबर सब एक जैसी नहीं, हाँ वो कहीं वाइड बहुत ज्यादा दे रहा है ना। इतना इजीली रन दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जिस लेंथ पे पीछे खेल रहे हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, थोड़ा खतरनाक हो सकता है इस पिच के ऊपर, और रहा भी है। चाहे वो डेविड मिलर देख लें और अगर आप मैक्सवेल का भी देखें, हाँ थोड़ा सा पीछे था, देखिए उतना पीछे था कि आप घूम के आप स्क्वायर लेग की तरफ पुल लगाना चाहते हैं। आज क्लासन ने कुछ उस लेंथ से शॉट जरूर लगाया लेकिन उन्होंने स्क्वायर लेग पे नहीं, उन्होंने मिड विकेट पे मारा था, वो भी लगभग सीधे बल्ले से। स्मिथ के लिए बिल्कुल मतलब वैसा मैच है कि ये स्मिथ को नहीं आप कर पाएंगे इस तरह, क्योंकि वो मतलब उसके लिए आइडियल सिचुएशन है, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है। इंग्लिश को आउट करो, इंग्लिश को आउट कर सकते हैं, एक छोर को लगातार आउट करते जाओ, अगर 9 विकेट हो जाएंगे तो मैच फंस जाएगा। और देखें स्पिनर्स के भी 3-3 ओवर हैं इस ओवर के बाद, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि एक दो विकेट जो है इनके दोनों के स्पेल से पहले साउथ अफ्रीका को मिले। इतने से नाखुश हैं, आखिरी गेम पे आया सिंगल 150 के पास। ये बबूमा जो है ना, ऐसी स्पिनर ऐसी, अरे कुछ भी हो जाए ने 7 ओवर में 37 रन दिए, समझ रहे हो ना, और उधर महाराज ने 7 ओवर में 18-19 रन दिए, तो ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया ना आपका, कि आपका जो मेन स्पिनर है वो रनिंग नहीं रोक पा रहा है, प्रेशर हाई नहीं। अच्छा देखिए अभी तक इंग्लिश सही डिफेंस भी कर रहे हैं, अब देखो इंग्लिश है लैंग्वेज है उसको जो पढ़ाओ, अब इंग्लिश का जमाना चला गया, कमिस की याद दिला रहे हैं पिछले मैच में बहुत खेले में कमिस, इंग्लिश को नहीं तो पी जाओ, मुझे के खिलाफ और वहां अर्शद खान भी थे फाइनल में अपने को टक्कर देगी तो ये ज्यादा इनको आइडिया कैसे स्पिन पे खेलना है, इनके पास तकनीक भी है अगेंस्ट स्पिन कैसे खेलना चाहिए। और अच्छी फील्डिंग का मजा रहा है क्योंकि काफी टॉल है तो इतनी जल्दी नीचे नहीं आ पाते बॉल के, लेकिन अच्छा कवर किया। और कमिंस के बबूमा को मत दिखाओ यार, अरे वो तो आके उनको कैसा डिफेंड करना है और कैसा नहीं, तो लेकिन ये है कि आज स्पिन उस दिन वानखेड़े से बहुत ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा टर्न इसी मैदान पे हुआ है, अगर आप देखिए पूरा विश्व कप तो सबसे ज्यादा टर्न यहाँ हुआ है, बॉल जो घूमी है इसी मैदान पे घूमी सबसे ज्यादा, चेन्नई से भी ज्यादा इस मैदान पे। 58 रन चाहिए अब, बहुत जरूरी स्मिथ का विकेट होगा 10 रन पे, ये विकेट तो भी आ रहे हैं वो खड़े हैं, आपको पता है कि आप दूसरों अब हैट्रिक चाहिए इन लोगों को, कोई अगर जीता यहाँ से जीतना है ना तो हैट्रिक चाहिए, उससे छोटे में कोई इतना का तो कोई भी बना ले। स्मिथ का गेज छोड़ना भारी पड़ गया, स्मिथ अगर आउट होता ना तो मैच की भी कहानी अलग होती है, एक दो ओवर मारा ये नहीं नहीं अभी तो भैया इनसे कराएंगे, अब मैच वैसे ही खत्म है, समझ रहे हो ना, जो एक दो विकेट गिरा ले जो फंसा ले मैच, यार कट भी तो नहीं लग रही है कट लग के पीछे जाए इसके बाद, क्योंकि देखो खिला के तो नहीं खेल सकते, 131 बॉल में 58 रन चाहिए, समझ रहे हो ना, ये बॉल तो है ये आंसर की तो कहानी खत्म कर दी है, 3 ओवर में 27 रन बनाए, मार 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 क्या है क्या कर रहे हो भाई, रन आउट नहीं कर पा रहे हो यार, मुश्किल में डाल इतना बताओ, इतनी अच्छी टीम है, बबूमा ही था ना, देखो बबूमा नहीं होगा, बबूमा फील्डर अच्छा है, फिर अलाउ किया मांगा भागो
नहीं और कोई था बाबूमा नहीं, बाबूमा फील्डर अच्छे अरे डायरेक्ट ऐसा ऐसा थ्रो देते हैं कभी किसी को बताओ है इतना तो मतलब क्या कहते हैं कि वो पहले एलकेजी यूकेजी में सिखाते हैं भाई वो पहले उधर मारने का था ना फिर उधर चेंज करा उसका माइंड तो छह फील्डर अंदर हो गया अब क्या और मैं देख रहा हूँ ये अच्छे तरीके से खेल रहे हैं इंग्लिश आके स्पिनर्स को बड़ा अच्छा डिफेंस और पीछे जाके बड़े अच्छे तरीके से एक रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं जो कि इस विकेट पे बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए स्पिनर अगर आप इतनी देर से उनको देखते हैं तो थोड़ा सा और उनको फ्लाइट देना चाहिए ताकि वो ड्राइव के लिए आए इंग्लिश ने बताओ 18 बॉल में 12 रन बना लिए कुछ भी हैपन हो सकता है स्मिथ ने okay, स्मिथ अपना काम कर रहा है 47 बॉल में 21 रन बॉल का कोई मतलब नहीं एक और मतलब साउथ अफ्रीका किसी भी स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट जो कि फिलहाल केशव और इमरान और रॉबिन पीटरसन के नाम है देखो एक और सबसे ज्यादा करवा रहा है बॉलिंग बॉलिंग अच्छा भाई स्मिथ की बात थी कि सर बॉलिंग जब कोई अच्छा करता है ना उसको वो भी करता है वो अप्रिशिएट जी बिल्कुल ये अगर पहुंच जाएंगे तो ये इनकी तारीफ करनी होगी और ये काबिल भी है क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की है वो नजर आती है इनकी बॉलिंग में और मैं इनके साथ शुरू से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ और इन्होंने जितना इंप्रूव किया इट्स अमेजिंग लेकिन उसके पीछे 156 पे 5 खत्म हो गए मैच ऑस्ट्रेलिया है इससे अच्छा मार्क्रम को ही दे देता थोड़ी ज्यादा राहत देगी आपको बचा के रखने का सोच रहा होगा कि आखिरी काम ये आखिरी कब आएगा ये आखिरी 40 मिनट गुजरा है जहां पे एक छोर से तबरेज शमसी बहुमत गिफ्टिंग का थोड़ा सुन लीजिए तो उसको कोई ऊपर से ज्ञान नहीं देता क्या मुकाबले में जा कोच कोच बैठे थे वो भी सब ज्ञान देते हैं ना अच्छे से अरे बाबू आगे ड्रिंक के टाइम पे अपना कितना आता है अपना वो मैं कल एक लेख पढ़ रहा था एक बहुमा को मतलब थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेख लिखा हुआ था कि बबूमा को लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक है अरे भैया कोई उसको इसलिए नहीं टारगेट कर रहा है कि वो ब्लैक है हैं इस टीम में रबाडा है कोई रबाडा को टारगेट करता है हैं इस टीम में लुंगी एनगीडी कोई उसको टारगेट करता है कोई इसे बबूमा को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग उसमें उसको कलर का कोई रोल नहीं है भैया वो मतलब कितना घटिया परफॉर्मेंस कर रहा है आप देखो ये ना एक बहुत ये लो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं आप इस गेंद को अच्छा एफर्ट मार्को यंसन का अभी तक रन बनाने में उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा था अब तीन बॉल में कोई एक इशू हुआ उनको आराम से रन बना लिए और ये विकेट रिवर्स स्वीप करके मानस लाभुशेन अंपायर्स कॉल के जरिए आउट हुए उसके बाद लेग स्टंप पे जाके लगी गेंद ग्लेन मैक्सवेल ऑलमोस्ट स्लो मोशन में ग्लेन मैक्सवेल को निराशा महसूस हुई वो लैक ऑफ तेज से ही आउट हुए मैक्सवेल उम्मीद कर रहे थे गेंद थोड़ी तेज आएगी थोड़ी घूमेगी उसमें वो पेस थी नहीं उसने आउट किया सर कल एक मीम सारा कि सोनी जी से खुशी थी हार्दिक पांड्या बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबू के कारण शामी वापस टीम में आए हाँ बिल्कुल सही बात है वो बहुत बहुत जल्दी खेल गए थे बहुमा को रखा हुआ था वहां पे शॉट लेग का फील्डर वो बहुमा थे वहां पे फिर वापस थोड़ा पीछे की तरफ गए वो लगातार फील्डिंग में बदलाव करते रहे और फिर उसके बाद अब फील्ड वहां पे है तो दूसरी ओवर खेलना चाहते थे अपनी विकेट गवाई दी स्लिप्स के ऊपर थोड़ा जोखिम भरा था ये अपकट लेकिन चार और रन ऑस्ट्रेलिया के लिए और ये बेहतरीन शॉट ये इंटेंशनल खेला गया शॉट बॉडी के पास थी गेंद लेकिन बैटिंग लाइन बहुत नीचे तक है पर ऑस्ट्रेलिया ने अरे तो बैट्समैन ही है इंग्लिश तो मेन बैट्समैन है भाई अभी तो उनका कोई अब ये दोनों विकेट गिरने के बाद कमेंट अरे तो 50 रन तो बचे इनके 51 रन तो चाहिए उनको कौन से अपने को भी जब इनसे ज्यादा मैच होगा तो इनकी बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा है हाँ तो उस दिन मतलब इंडिया इस तरह घटिया नहीं खेलेगी कि 213 रन पे ऑल आउट हो जाएगी और 213 रन पे आउट होगी ना तो पिच भी वैसा होगा नहीं पिच भी वैसा होगा और रोहित शर्मा बबूमा से 1000 गुना बेहतर कैप्टेंसी करेगा समझ रहे हो ना तो नॉलेज तो है उसको इतना मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा सा वो सोचना चाहिए ना कि लोग कुछ भी लिखते हैं बताओ
है कि बबुआ को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। भैया लोगों को मतलब क्या है दूसरे कंट्री से, भैया तुमको जिसको खिलाना है वो खिलाओ, लेकिन जो तुम्हारी टीम के प्रशंसक हैं वो बोल रहे हैं। वो तो आपने देखा होगा ना, वो पाकिस्तान वाले चारों बैठ के वो पिच के वो कर रहे थे डिस्कशन की भाई हमने एक रिपोर्ट आई है। अरे अब इस साल अभी अभी किसी ने अभी तक क्या कॉन्ट्रोवर्सी थी कि बॉल में कुछ डिवाइस फिट कर दिया है जिससे स्विंग हो रही है, फिर बोले कि वो जो लाइटिंग होती है ना उसकी वजह से कोई बीच में जब अंधेरा होता है तो बीच में रिमोट दबा देते हैं तो पिच पलट जाती है। ठीक है, अभी एक नया कंट्रोवर्सी कोई बता रहा था कि जब रोहित शर्मा सिक्का उछालता है ना टॉस में तो इतना ऊपर उछाल देता है कि अपोनेंट कैप्टन को कुछ दिखता ही नहीं है, समझ गए, तो वो कुछ भी बोलता है, मैच रेफरी जाके देखता है और जो रोहित शर्मा बोलता है वही बोल के चल देता है, बोलता है रोहित शर्मा वॉन द टॉस। अब ऐसे ऐसे तो लोग हैं दुनिया में। कल देखो पिच के लिए जो हुई थी कि पिच चेंज कर दिया, पहले दूसरी पिच में होने वाली थी फिर दूसरी पिच में हुआ, तो कल की कितनी बेहतर पिच थी, मतलब जो सेकंड बैटिंग किया उसके लिए भी 100% ऑप्शन था, अपॉर्चुनिटी थी जीतने का, है ना, पिच कहीं पे भी किसी को फेवर नहीं किया, मतलब 700 रन के लगभग बन गए पिच पे और क्या चाहिए। हाँ तो उस जिसने भी लेख लिखा है ना उसने क्या कंपेरिजन किया है कि अगर ये नहीं चल रहा है ना, क्या नाम है इसका, तेजबा मोहम्मद, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, उसने उदाहरण दिए हैं कि जब इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला तो महेंद्र सिंह धोनी किसी मैच में नहीं चला फाइनल को छोड़ के, मतलब वो कहीं टॉप रन गेटर्स में नहीं था, है ना, रिकी पोंटिंग के कैप्टनसी में जो ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्ल्ड कप जीते उसमें से वो 2 वर्ल्ड कप में कहीं टॉप रन गेटर में नहीं था, है ना, वो मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा था, मतलब किस चीज का तुम सपोर्ट कर रहे हो, क्या है भाई ये। और जो अपोनेंट टीम है वो तो चाहेंगे कि ऐसे प्लेयर खेलते रहे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो भैया 11 की 11 बमुमो खिला दो हमको क्या जाता है, ये सब यही सोचते हैं बमुमो आउट नहीं हो कल, आज बमुमो आउट हुआ मैं तो खुश हो गया, चलो अच्छा ये चले गया, पर अरे यार थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज से घुमा मिला लेकिन बहुत बाहर की लाइन थी, बहुत मुश्किल है या उनके चापलूस कार होते हैं ना वो पूरी टीम को बर्बाद कर देते हैं। तो एक गेंद भी 90 से ऊपर नहीं डाली तो सरप्राइज है, कोई से डेविड वॉर्नर और ट्रैविस हेड की पूरी कोशिश थी कि कोई भी इस रनचेज में दबाव आए ना, और नहीं आया था उस तरीके की शुरुआत थी। 6 ओवर्स में 60 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे, 6 ओवर 60 रन से 10 का रन रेट, अगली वही कमर टूट गया, शुरू में 6 ओवर में उनके 10-15 रन ही होने थे प्रेशर। अरे तो पहले 10 ओवर में आज का मैच ना पहले 10 ओवर में ही खत्म है, साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खो दिए, उन्होंने 60-70 रन बना दिए पहले 10 ओवर में, हो गया मैच खत्म। उसके बाद तो अब स्मिथ इसका मास्टर ही है, समझ आया ना, स्मिथ अगर 400 रन का चेज होता ना तो उसके लिए उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन टर्निंग पिच पे 200 रन बनाना है तो दिन भर खेल के बना लेगा। अच्छा बोला आउट हो गया था, कैच छोड़ गया उसको, नजर उठा के देखे तो स्टीव स्मिथ का जो रोल है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल स्टीव स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज
जो एंकर करना जानते हैं, जो रन चेस को बढ़िया तरीके से प्लान करना जानते हैं। इस तरह के मैच के लिए तो स्मिथ से बेहतर दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं। फ्लॉप करने की बात करते हैं लेकिन आपकी भी राय इसमें गौतम, काफी बार बात की भी है स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, थोड़ी एक दूसरे की छवि है, क्या दोनों एक साथ सचते हैं एक टीम में? बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, क्या इस ऑफ दिस विसल है कोच से अंपायर का मानना कि सिर्फ हवा से संपर्क हुआ गेंद का, ये सब काम हो जाता था डीआरएस जब नहीं था तब। कई बार अंपायर दबाव में आते थे, ये उस तरीके की अपील, दबाव डालने वाली अपील, बल्ले पे तो नहीं लगा लेकिन यहाँ पे थाई पैड पे गेंद रखी गई है। अब यहाँ से आउट भी हो जाएगा स्टीव स्मिथ, तो कुछ नहीं हो, जानते थे कि बल्ले पे बिल्कुल नहीं है बाहर किनारा। अभी 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 इसके पहले स्लिप लगाया हुआ था बल्ले से, हुई थी ये, अच्छी गेंद थी, हल्का सा लेग मूवमेंट देखने को मिला, गति भी अच्छी 140 की, लेकिन नसीब का साथ नहीं, सी पोजीशन बहुत बढ़िया, आगे वाली लेंथ जहां पे आप इसे खिलाना चाहते हैं, पैर निकले नहीं। अरे ये कोई मोहम्मद शमी थोड़ा ही है, समझ रहे हो ना, इनको स्पिनर से ही खिलाना पड़ेगा अगर कुछ मैच में रोमांस भी लाना है तो, नहीं तो ये इनकी कहानी खत्म है, 5 विकेट से जीत जाएंगे। अगर मगर वाली कहानी, अगर मगर नहीं, मैच खत्म है, ओवर समाप्त, जरूर को दिए गए 172 पे 5 ऑस्ट्रेलिया, 3 ओवर में 27 रन दिए बॉलर को, टिम्बर बमुआ ने मैच जल्दी खत्म करने का सोच लिया है, बोला कि काहे के लिए जब हारना है ये है तो काहे के लिए स्पिनर से अपने ओवर करवाएं, बचा के नहीं तो शमसी के 2 ओवर और केशव महाराज का 1 ओवर और माकरम के 6 ओवर घर ले जाओगे अगले साल, अगले विश्व कप के लिए बचा के रखे हो, एक एक दो दो ओवर करा के देख लेते हैं क्या, एक एक दो ओवर और 50 रन तो है ही है भाई, आसानी से सिंगल मत दीजिए, एक बढ़िया चैनल में गेंदबाजी करना जरूरी, सिंगल मत दीजिए डी स्मिथ, जब तक डी स्मिथ पापा तब तक खेलेगा वो फर्स्ट कंफर्टेबल फील करेगा, यहाँ अगर आप डी स्मिथ का विकेट ले पाए तो सोचिए वहां पर जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ऑस्ट्रेलियन के आने वाले बल्लेबाजों के लिए। अरे तो स्टीव स्मिथ का विकेट लेने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और रबाडा नहीं ले सकता इस बीच में उसका भी, समझ रहे हो ना, ये 40 की बजाय 25-30 हो गए उसके बाद फिर आपकी उम्मीदें खारिज हो जाएंगी, क्योंकि फिर आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि वो दहलीज पार कर लेंगे। अभी कमिंस है, स्टार्क है, जेम्पा है, हेजलवुड है, 3 तो बना ही लेते हैं, मान लो हेजलवुड को मैंने नहीं देखा बहुत बैटिंग करते हुए, जेम्पा तक तो लैंपा लगा ही देंगे, क्या खड़े खड़े छक्के मारता है, स्मिथ कब से खेल रहा है देखो, खेल रहा है 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो जानते अपने विकेट की अहमियत, 59 गेंदों में 30 पे वो खेल रहे, और जबकि इंग्लिश के लिए अगर बात करें तो इनका खेलने का अंदाज ही बड़ा ताबड़तोड़ है, यहाँ पे ये दोनों ही बल्लेबाज पहले बात की थी की नॉकआउट्स में उस तरीके का योगदान हमेशा रहा है स्टीव स्मिथ का, वही रोल 2015 के वो 3 नॉकआउट मुकाबले क्वार्टर सेमीज और फाइनल, उसके बाद 2019 के भी सेमीफाइनल में, 19 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बार आ रहा है पता, इंग्लैंड के खिलाफ जीत, हालांकि आगे जाके वेस्ट इंडीज ने हराया 1987 सेमीफाइनल में, आज तक ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बार आ रहा है 2019 में इंग्लैंड से 8 विकेट से, बाकी कभी नहीं आ रहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 ब्रैंड बेस्टन, 2003 श्रीलंका को हराया जाके फाइनल जीता, 2007 में फाइनल को जीता था सेमीफाइनल के बाद,
प्रेशर मोमेंट जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ये तो बात है प्रेशर मोमेंट पे वो बहुत एग्रेसिव है ना वो लोग। हां पता यही तो 39 रन चाहिए 102 बॉल पे। अभी ये कोइचो को ही लगाए हुए हैं ग्राउंड विकेट से। अब अलग एंगल के साथ थोड़ा टेस्ट करने का प्रयास। माफ करो बबूमा आसानी से जाने दिया कीपर के दस्तानों में। तो एक बाउंसर का जो विकल्प वो आप पहली गेंद पे इस्तेमाल कर चुके हैं। वक्त की कोई कमी नहीं टी स्मिथ। और ये बात करी जाए तारीख के योग्य और एक बुनियाद जो है टीम्स की योजना बारह अपने लिए भी थे वो नंबर तीन पे खिलाड़ी अक्यूमुलेटर्स कंसोलिडेटर्स एंकर्स जो भी कहें बहुत अहम रोल इनके इर्द गिर्द। बाकी खिलाड़ी जो है वो अपने आक्रामक खेल अपने स्वाभाविक खेल के साथ चला सकते हैं मैच को लेकिन एक छोर पे आश्वासन देती है खिलाड़ी। हो सकता है एक छोटी गेंद दोषी पुल यहाँ पे डील नहीं आई क्या। काफी कुछ गुजरा इस मुकाबले में। अरे तो तुम ओवरकास्ट कंडीशंस टॉस अबे स्पिन हो रहा था कई ओवर में आ गया किसी ओवर में किसी ने बहुत मारा। शुरुआत में 24 रन के भीतर चार विकेट्स अपने नाम कर लिए। 39 रन चाहिए अब 39 रन के ये लोग क्या चाहते हैं कि इन लोगों को 100 बॉल खिला देंगे और 39 रन नहीं बनेंगे। साझेदारी हैं तो पूरा एग्रेसिव हो गया था ये लो आउट हो गया ये गेम। लेकिन स्टीव स्मिथ ये कैसे खेल दिया ये शॉट लेकिन नीचे आएगी और क्विंटन डिकॉक के दस्तानों में दम। ये तो स्टीव स्मिथ मतलब ये सुसाइडल शॉट था ये तो स्टीव स्मिथ से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा मूव था फिर तो बबुआ का ये ओवर नहीं 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 ये स्टीव स्मिथ का मतलब ब्लंडर था ये समझ रहे हो ना। अरे तो यहाँ पे तुमको इस तरह के शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। तुमको छक्का मारने मतलब तुम 60 गेंद में 30 रन बना के खेल रहे हो तुमको छक्का मारने की क्या जरूरत है भाई यहाँ पे है? तुम एक एक रन लो ना भाई तुमको 100 गेंद में 30 रन चाहिए। नहीं अब जो आएगा वो अगली गेंद पे आउट हो जाएगा लगातार वो अपन बोल रहे हैं ऐसा कुछ होगा। अब बेहतर से बेहतर होता जाता हुआ ये चेहरे पे कुर्सी भी अच्छी नहीं लग रही साले कितना सूंघड़ा है ऑनलाइन जाएगा। कोएचे ने एक विकेट तो ले लिया आज स्टार्क आ गया उसको नहीं भेजा उसको भी कॉन्फिडेंस होगा ना उसने उस दिन इतनी गेंद खेल के 12 रन बनाए थे तब वो बोलता होगा कि अगर उस तरह की इनिंग देखो ये भी जज नहीं कर पाया था देखो है चल शमसी दो विकेट चाहिए इस ओवर में स्टार को ले लो स्टार गया। अरे नहीं नहीं बॉल कटी नहीं इसी के लिए वेट कर रहे थे कि शमसी और इसको बचा के रखा था कि इस विकेट गिर जाएगा तब लाऊंगा पर रन बहुत कम बचे ना। हां बट ठीक है वो क्योंकि स्मिथ इन सब के खिलाफ नहीं आउट हो रहा था ना मतलब स्मिथ ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। स्मिथ से एक्सपेक्टेड नहीं था और ये बढ़िया कप्तानी है यहां पर अपने रिस्ट स्पिनर के पास जाए टेम्बा बगुमा अब वो परसेंटेज हटा दीजिए उससे ज्यादा ये टाइट मैच है इसी वजह से वो महाराज ने जो शॉट खेला था जब बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि महाराज बल्लेबाजी कर लेते हैं वहाँ पे मिलर लगभग 100 के करीब जाने वाले थे वहाँ पे 4 ओवर बाकी थे वहाँ पे आपने वो जो शॉट खेला जरूर आज खुद वो सोचेंगे कि क्या मैं थोड़ा सा और रुक जाता
को और साझेदारी बनाती और थोड़े रन लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 38 रन ये उसके बावजूद आगे टप्पा कर रहा। अरे भैया लेग स्टंप के बाहर बॉल थी, आपको ना ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप पे गिराना है और फिर वहां से बाहर निकालो ना। तो यही तो खूबसूरती है ना खेल के इंसान। आपने और बात में कितनी बार इसको मैदान पे जिया भी है, जब बाद में देखते हैं तोल मोल के तो कितनी चीजें लगती हैं, शायद ऐसे हो सकती थी शायद वैसे, लेकिन क्योंकि आप इन चीजों को स्क्रिप्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी को पता नहीं चल समझी ले 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 होगा, इसीलिए तो दर्शक खींचे चले आते हैं खेल की तरफ, इसीलिए वो इनइफेक्टिव हो गया है। चाहे गेम कितनी भी आगे निकल जाए कितना भी कितने इधर ओवर इतने कम बचे, अगर एक से बल्लेबाज है और सामने से पाप का काम रुकना है तो आप रुकिए, आप कुछ ज्यादा कोशिश ना करें बेसिक चीज। 36 ये रन अभिषेक शमजी, इसके बाद उनकी स्पेल में बचेंगी 6 गेंदें, आखिरी गेंद है। अरे जाने दिया मिचेल स्टार्क ने 177 पे 6, वो क्यों खेल रहे इतने निराश है, पॉइंट से तो आया भाई वहां भागते हुए, क्योंकि ऐसे 4 रन एक बार बना चुके हैं लेकिन वो एंगल अलग था। इसी बार पैट कमिंस ने आना है लेकिन एक सेट बल्लेबाज अंदर बेहतरीन कवर ड्राइव क्रॉस टीम गेंद ऑन द अप, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं डीप कवर के पास, तेज आउटफील्ड से भी ऐसी अच्छी चीज की बैक की अपने आप को ये शॉट खेलने के लिए, और जैसा भी गौतम ने कहा रोमांच है पान, लेकिन आप एक शायद गेंदबाज के तौर पे बता पाए क्योंकि उसने रन नहीं, आप 4 वो मैजिक डिलीवरीज तलाश रहे हैं, 4 अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन उसकी उत्सुकता में भारत की बस पैसे मिल रहे हैं उसको बैठे तो देखो सबको पता है ना भारत बहुत बड़ा वो है बिजनेस अब है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे सब यूट्यूब में भारत के बारे में बोलेगा तो 150 करोड़ उसके कस्टमर है, हर इंसान आज एक कस्टमर है जो यूट्यूब देखता है, जिसके हाथ में मोबाइल है सब कस्टमर है ना, तो वो तुम्हारे अगेंस्ट बोलेगा तो तुम कितने दिन देखोगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए बोलेगा तो बार बार देखोगे। रबाड़ा भी आके गए अभी शमजी को वापस लेके आए यहाँ पे जानते हैं क्योंकि और दोनों छोर से अलग गेम चलेगा, स्टार्क की यहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी कि रन नहीं बनाने, वो जो काम पैट कमिंस ने किया था मैक्सवेल के साथ वो काम अभी करना होगा थोड़ी देर तक 31 रन तक मिचेल स्टार्क को, वहीं पे इंग्लिश का काम रहेगा कि गेम को पूरी तरह से चलाना, तो इसी वजह से गेंदबाज को भी ये बात पे तवज्जो देना बेहद जरूरी कि किसको खामोश रखा जाए, किसके सामने अटैक किया जाए, क्या फील है, और वो सिंगल पे भी तवज्जो कि यहाँ पे रन नहीं देने मिचेल स्टार्क को बहुत ज्यादा, एक आध फील भी लगा लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर उस स्लिप में अगर आप वो गेंदबाजी कर रहे हैं उस तरफ। मिचेल स्टार्क को आप अनसेटल कैसे कर सकते हैं क्योंकि अब तक जो थोड़ा टेंपरमेंट दिखाया है मिचेल स्टार्क ने, आपने कई बार इनको टेस्ट मैचेस में लोअर ऑर्डर में आके और भारत के खिलाफ भी मोहाली में उपारी याद आती है, 90s में थे मिचेल स्टार्क, वो काफी बार कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, चाहे तबरेज शमजी का पिछला ओवर हो जब 99 वनडे में 52 रन बना चुका है, कि जो सर्वश्रेष्ठ पारी आई थी वो भारत के खिलाफ आई थी वनडे करियर में 8 शतक है, इनके थोड़े टेम्परमेंट को तोड़ के आपको इनकी विकेट प्राप्त करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं देंगे 182 के खेल। Oh my God, ओवर है। जी हाँ, जैसे कह रहे थे ढूंढ रहे हैं 4 विकेट, 4 वो गिने विकेट टेकिंग बॉल्स, इसमें अगर एक विकेट तो भैया बहुत जरूरी है क्योंकि समसे का अंतिम ओवर है भाई, ले ले अभी तक बहुत अच्छा काम किया इंग्लिश ने, ज्यादातर बैकफुट पे खेला है, गहराई का इस्तेमाल किया है क्रीज का,
वही है कि देखो फ्रस्ट्रेट करके भी विकेट लिया जा सकता है, जैसे स्मिथ ने जो किया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो मतलब इतना कूल माइंडेड इंसान और, लेकिन कभी भी वही बोलते हैं ना हर आदमी का एक थ्रेशोल्ड होता है, वो थ्रेशोल्ड उसका चला गया। तो ये सब रेड वाला कौन सा ड्रिंक पीते हैं पता नहीं, जो स्मिथ का देखे वो बहुत ऊपर गया था, बहुत जल्दी कॉल किया, अच्छी बात थी, उसके बाद भी आसान नहीं होता जज करना। अंडरलाइज वो जज करना, जो पेस है किस पेस से गेंद नीचे आ रही है वो जज करना बड़ा मुश्किल होता है। शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, उसको पता है कि अंतिम ओवर है, निकाल दो, हो गया, जानते हैं कि तीन गेंद और बची है, लेकिन अगर ये तीन गेंद में इसने इंग्लिश को ले लिया ना तो 30 रन बनाने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। वन मोर चल समझी ले ले, साउथ अफ्रीका अच्छी बॉल थी मगर बैट्समैन बड़े मोहतात होके खेल रहे हैं और बॉलर शायद कैप्टन से इजाजत लेने गए हैं कि शायद अगर मैं कोई बॉल थोड़ा छोड़ के करूं विकेट लेने का चांस लें, जो कि मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पे करना चाहिए, जो सेट बैट्समैन उनको एक रन देना चाहिए और दूसरी तरफ से विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी और दो ही गेंदें बचती हैं उनके स्पेल में और वो जॉश इंग्लिश भी जानते हैं कि जैसे स्पिनर्स के ओवर्स खत्म हुए थोड़े से चांसेस जीतने के और बढ़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, फिलहाल 31 रन से दूर और दो गेंदें निकालनी होगी जॉश इंग्लिश को, उसमें से एक निकाला सीधे बल्ले के साथ क्योंकि इसके बाद माक्रम जरा स्पिनर्स की बात करें तो उनके ओवर काफी सारे हैं, महाराज का एक और ओवर है, लेकिन ये पता है ऑस्ट्रेलियंस को कि जैसे तेज गेंदबाज आएंगे तो रन भी तेजी के साथ निकलेगा। इस बार कवर की तरफ खेला जहां पे फील्डर मौजूद नहीं, भागना पड़ेगा रपाडा को, लेकिन दो रन नहीं रोक पाएंगे, 184 पे छे 29 रन और चाहिए। 78 बॉल में 29 रन चाहिए। 38वां ओवर शुरू हो रहा है, कोयजी साहब आए हैं, 184 रन पे 6 विकेट हो चुके हैं, 213 का लक्ष्य है, तो कोई चमत्कार सही बात है, स्टार्क बैटिंग कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बैक ऑफ लेंथ ही गेंदबाजी की है, सारे गेंद बैक ऑफ लेंथ की डाल रहा है, पीछे धकेलने की कोशिश, तो वही करेंगे ना कि 5 बॉल पीछे करेंगे फिर एक फुल ऑफर करेंगे क्योंकि वो तो मार रहा ना नहीं अच्छा खेले अभी तक इंग्लिश। 44 बॉल 27 रन कॉम्पैक्ट दिखे, एक तो अच्छा खेलना होता है, होता कंट्रोल में बल्लेबाजी करी अभी तक, सही डिफेंस किया स्पिन के खिलाफ बहुत, या फिर जैसे स्मिथ को फ्रस्ट्रेट किया इसको भी कर दो चाहिए अब 70 गेंदों में लेकिन अब एक ही टीम में एक ही दिन बाहरी किनारा 4 रन मिले स्पिन भैया स्लिप क्यों नहीं लगाया है बाद से इमरान ने कहा कि स्लिप रखिए और शायद स्लिप वहां पे होता इस वक्त तो ये यहां पे एक और विकेट ऑस्ट्रेलिया मतलब एक तरफा नहीं हुआ गेम थोड़ा तो मतलब बताओ स्लिप में कितना इजी का है सारे टप्पा का इजी क्या उछला था कि वो जस्टम गए वहां पे हार्ड लेंथ ये हार्ड लेंथ ही डालते हैं और पानी वो सारी डाले हार्ड लेंथ डाल के बॉल उछाल के साथ पहुंचे छाती के आसपास ही इनका प्लान है ये रोल भी है इस टीम के लिए। मैं समझता हूं कि इधर 25 रन रह गए हैं और आपने स्लिप नहीं रखी हुई और आप विकेट की तलाश में हैं और जो आपका अच्छा बॉल है अगर वो स्लिप की तरफ से चला गया तो एक तो वो 4 रन हो जाएंगे और दूसरा आपके पास से अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी और बैट्समैन भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। इमरान ताहिर तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई लेकिन तुम लोगों को सोचना था कि तुम कप्तान किसको बना रहे हो। माकम जो है उनको भी के लिए लाना चाहिए मैं समझता हूँ क्योंकि स्टार्क खेल रहे हैं साथ में और अगर एक विकेट निकलेगा तो हो सकता है उसका प्रेशर इंग्लिश पे भी आए। नहीं हालांकि स्मिथ को आउट किया कॉर्ड देने पर मुझे लगता है कि स्पिन टू विन ही करना चाहिए था तो खराब शॉट मारा स्पिन ने आउट होकर महाराज का ओवर ओवर करता है क्यों बचा के रखा है बचे हैं बहुत सारे अरे माकरम के 6 ओवर हैं भाई उससे कराओ यार स्लिप लगा के रखा है इस बॉल पे अब स्लिप लगाया है
उसको ना जहां से कैच छूट जाता है, जहां जैसे हम लोग जैसे नहीं कैप्टेंसी करते हैं, वहां पे कैच छूटा तो वहां छूट गया, अब जाओ वहां पे जाओ, वहां जाओ उधर जाओ उधर जाओ, अरे वहां पे कैच चला गया वहां जाओ वहां जाओ। मतलब यार आप इंटरनेशनल लेवल में कैप्टेंसी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे बॉल गिरने वाली है, किधर बैट्समैन खेलेगा, किधर कैच जाएगा है? ये तो हमारे लोकल लेवल पे हम लोग करते हैं कि यहीं पे बेंच फेंके, जहां पे मार दिया आ गई तो ठीक है, नहीं तो उसको गिर जाएंगे। शॉर्ट बॉल की ताकत है, शॉर्ट बॉल डालते हैं और कई बल्लेबाज को इस विश्व कप में आउट किया है। देखिए रफ्तार भी है बॉल में और ये बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, पूरा कमर को बेंड करते हैं, पटकते हैं बिल्कुल बीच में बॉल, और बहुत तेजी गति से स्पीड है कोई 145 तक 146 टिलेंडर के लिए, जो बल्लेबाज पिछले क्रम गेम के लिए तो नाक में दम है। चलो ये गेंद के लिए तैयार कर रहा, ये शॉर्ट बॉल डाल डाल के बैक ऑफ लेंथ डाल के ये वो ऊपर वाली गेंद। लेकिन अब इतना मतलब जब हम लोग समझ रहे हैं कि किस गेंद के लिए तैयार कर रहा है, तो वो तो भैया ने इसने खेल रहा है, मुझे भी मालूम था कभी भी ऐसे गेंद आएगी शॉट नहीं। तो हम इन सब चीजों से उनको नहीं आउट कर सकते, वो ऑस्ट्रेलिया है। स्लिप है, लेग स्लिप है, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है, टावर्स पॉइंट, छह फील्डर रखे हैं रिंग के अंदर, 30 यार्ड। बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पे, लेकिन काफी दूर गेंद जाके गिरी, शुरू के जो कैच छोड़े हैं वो घर में ना ले ले, क्योंकि इंग्लिश इनको खेल के निकालना चाहेंगे, इनका भी आखिरी ओवर है वैसे तो, डिफेंड करेगा डिफेंड। देखो इसमें ना देखो अभी भी ऑस्ट्रेलिया 90% मैच जीता हुआ है, लेकिन अगर इस ओवर में महाराज ने विकेट नहीं लिए तो मतलब कि ये बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए बिल्कुल। अभी स्टार को आउट करो, स्टार किया शुरुआत से जब से आए हैं बैक फुट पे, उगली फेंक दो LPW ले लो, जो भी करे वो उसको ज्यादा अच्छे से पता है, बस विकेट लो। और अगर इन चार गेंद में विकेट नहीं गया तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस 99% जी बिल्कुल, अभी जो 95% है 4% और बढ़ जाएंगे। जितना वर्ल्ड कप में उसमें सबसे ज्यादा स्पिन इधर हुआ है, तो अगर उसको इस हिसाब से इतना सॉलिड खेलना, मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे प्लेयर की निशानी है। और वो आक्रामक बल्लेबाज है, उनको फ्री फ्लोइंग खेलना पसंद है, अपने गेम को आज चेंज किया, इसीलिए मैक्सवेल के वहाँ कहने के वो जिक्र आएगा बार बार कि क्या वो आवश्यकता थी इतनी जल्दी बड़े शॉट मारने की, हम और वैसे ही खेलते हैं वो, पर इंग्लिश ने अपना गेम को आज चेंज किया, ये भी अटैकिंग बल्लेबाज है, पर उनको मालूम है कि पार्टनरशिप बनानी है, आखिरी में तो उसको भी पता है ना कि अंतिम में वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन वाला चीज है वो इनके ऊपर आएगा ही नहीं। ले लो भाई ले लो, आउट कर दो। यहाँ पे डाल दीजिए शॉर्ट लेग, डाल दीजिए क्योंकि टर्न हो रहा है, लेग स्लिप से ज्यादा शॉर्ट लेग, लेग स्लिप मतलब लाइन आपका थोड़ा सा ज्यादा पैरों की तरफ। अरे पिच भी कितना घुमा, बड़ा अमाउंट फ्लैट बैक टर्न हुआ मैच में, ये टेस्ट मैच के मान लो 4 डे का पिच लगा मुझे। जी बिल्कुल, ज्यादातर बॉल टर्न हुआ है यहाँ पे, वो अमेजिंग टू सी के वन डे क्रिकेट में वाइड बॉल से इतना तेज घुमाया बॉल, और मैं बड़ा उसके लिए यानी कि सरप्राइज हूँ कि इस विकेट के ऊपर ये कम स्कोर है, लेकिन शुरू में साउथ अफ्रीका ने जो मिस्टेक्स किए हैं, मैं समझता हूँ अगर 25 से 50 रन भी ज़्यादा होते और बैट्समैन वो शॉट मार के आउट नहीं होते जो कि उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक वो मैच में बड़े आराम से रहते। स्पेल हुआ खत्म महाराज का, 24 रन दिए 10 ओवर में, एक सफलता इनके नाम, 190 पिचेस। क्विंटी आए 39 ओवर में हो गए 190 रन 6 विकेट पे, शासन बॉल पे 23 रन चाहिए। बैटिंग की जंपर प्रैक्टिस करते हुए मेरी बैटिंग आएगी। क्या हो गया, उपद्रव हो गया क्या, तो क्यों नहीं दिखा रहा है, लगता है ड्रिंक्स इनसे।
19 तारीख के फाइनल से 2023 विश्व कप के फाइनल से ऑस्ट्रेलिया अभी भी खेल बचा है इस मैच में। स्लिप मौजूद, लेग गाली, दोबारा बाउंसर, हल्के हाथ से खेले, दो की मार दो मिलना चाहिए, आराम से मिला है दो रन यहाँ पे। और लंबे कद के बल्लेबाज है, अच्छा कंट्रोल किया आवाज था आपने, बहुत अच्छा खेले, बाउंसर था उसको बिल्कुल आने दिया बॉल को और लेग साइड पे दो रन वहां चुरा लिए। बड़ा दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट आप देखे हैं, लेग स्पिन लगा रखी, मिड ऑन बिल्कुल आके खड़ा है टिम्बा, बिल्कुल वहां मिड विकेट कैचिंग मिड विकेट के आसपास, स्लिप है, पॉइंट है, कवर से मिड ऑन पे लड़ाई जा रही है, अभी भी प्रयास जारी है, गेंदबाज स्लिप पहले लगाना था, ये लो ये लड़ाई जा रही है। कुछ अलग सोचना होगा माक्रम को या रबाडा को, झेलने कोशिश की इसमें कोई दो राय नहीं है, जो था पूरा झोंक दिया है। क्योंकि ये जो है आप देखेंगे हार्ट ब्रेक्स का सिलसिला दक्षिण अफ्रीका और विश्व कप का ये पुराना रिश्ता है, 1992 से लेकर 2015 उठा के देख लें तो सिर्फ एक दो मैच जीत पाई है दक्षिण अफ्रीका, वो भी 2015 में क्वार्टर फाइनल श्रीलंका के विरुद्ध। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि फाइनल्स नहीं खेली है दक्षिण अफ्रीका, अगर शुरुआत से देखें तो वो हार्ट ब्रेक्स की जो कहानी 1900 कितने चंपू लगते थे देखो सर, डीएलएस के चलते आखिरी गेम में 22-23 रन अंडर 90 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अरे ये मैच तो बहुत ही अल्टीमेट था, कितना वो दौड़ा ही नहीं था, कोई नहीं भूलेगा, ये तो हमेशा याद रहता है, ये तो डोनाल्ड ने मतलब डोनाल्ड ने अकेले एक विश्व कप छोड़ दिया और यहीं से साउथ अफ्रीका की ना सुप्रीमेसी शुरू हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका बोल रहा है। एक और बाउंसर, और वो आज कैचेस पकड़ते हाफ चांस तो शायद और क्लोज मैच जाता, तो वो कैचेस बहुत छोड़े और ये देखिए ये श्रीलंका के खिलाफ हुआ 2003 दो स्टेज में, 2007 में सेमीफाइनल में बाहर हुए, 2011 में क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए, 2015 में सेमीफाइनल में बाहर हुए, तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में कई बार पहुंचे पर उसके आगे नहीं बढ़ पाई गाड़ी, साउथ अफ्रीका की हमेशा बाजे लेके आते हैं, बहुत बढ़िया टीम लेके आते हैं, अच्छा खेलते भी हैं। ओह चल इंग्लिश, पचास रन नहीं होने थे इसको, थोड़ा सा पहले आउट होना, ये बैट से लगी थी क्या? नहीं पैट कमिंस के ऊपर दोबारा लगा देखना, वो भी जाएगा जल्दी जाए भैया, चल कोच ने कुछ तो किया है यार, पैट गोइंग हो जाए आज, पैट की पैंट उतारो आज, बहुत हो गया कोइटचे, अभी दो ही विकेट लिया है आज, ले लो भाई तू पांच विकेट ले ले भाई तू आज बोलें, ओ अब ठीक दे ना भाई, ये क्या कर रहा भाई, पिचिंग लेग स्टंप के बाहर मांगते हुए पीक मांगते हुए कोइटचे, तो डीआरएस ले लो ना, अरे ले ले अबे रबाड़ा तू ले ले, रबाड़ा नहीं क्या नाम है तेरा, कबाड़ा ले ले, ले लिया, क्योंकि अगर नहीं भी लेंगे तो मैच तो ऐसे ही खत्म है, मैच तो ऐसे ही खत्म, लेकिन अगर यहाँ पे वो आउट हो गया ना तो मैच पे मजा आ जाएगा। हाँ ये भी है, सही बात है, सही बात है, क्योंकि अगर पिचिंग लेग स्टंप पे हुई है ना तो 100% आउट है, अच्छा आउट है, बस पिचिंग देखना है कि पिचिंग लेग स्टंप के बाहर है कि अंदर, इधर से कर रहा है तो वो तो बाहर ही होगी ना, लाइन पे नहीं है ये, अरे यार उधर तो आउट है, उधर तो आउट है, बस पिचिंग देखना भैया, पिचिंग दिखा उधर कहीं बैट रेट पास में नहीं है, अच्छा भले ही उधर पिचिंग इन जो अभी जो
ये जो है, हाँ ये पिचिंग में हो, ये नहीं, जो बॉल गिरी जहाँ पे, हाँ वो लेग स्टंप की लाइन पे होना चाहिए। अरे यार तो नहीं है, बहुत बाहर है क्या यार कोई चीज, मतलब ये तो एक्साइटमेंट था, इतना बाहर को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो। अरे देखो ये चीज में मैं बोलूंगा कि केएल राहुल कितना अच्छा है, ये क्या कर रहा है। क्विंटन डिकॉक ने भी कहा बाहर गिरी है। अच्छा क्विंटन डिकॉक ने कहा था, हमने भी वही कहा था, सौरभ गांगुली भी जानते हैं नहीं, पिचिंग आउटसाइड लेग है, कहां आउट मिलेगा आपको। मतलब ये तो बहुत खराब किया कोइट जी तुमने, है ना। राइट साइड में इंपैक्ट जो है पैड के साथ जहाँ पे बॉल लगती है वो स्टंप की लाइन में होना चाहिए, भले पिच कहीं भी करे। हाँ पिच से मतलब नहीं, ऑफ स्टंप में पिच से मतलब नहीं है, लेकिन लेग स्टंप में पिच लाइन पे ही होना चाहिए। अरे मारता मार गया, चलो चलो अब क्या, अब तो चलो यार ऑस्ट्रेलिया को भी पानी तो पिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है अपने को इससे कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी वो नहीं, मतलब नहीं है, दादा इस बार कमेंट्री करने नहीं आए। अगर हिटिंग लेग स्टंप है और उस लेंथ की गेंद है तो फिर वो क्या फिर है? पिचिंग वो भी वही बोल रहा है कि लेग स्टंप से इतनी बाहर गिर रही है और तुम यार इसको नहीं समझ पा रहे हो। मतलब देखो हम लोग दर्शक है और हम लोग यहाँ पे उसका सीधा नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, विकेट कीपर है वहाँ पे, तुम हो इंटरनेशनल प्लेयर, ले लो भैया ले लो इसको, जब नहीं मत दो अच्छी बॉल कटाना, खिला थोड़ा सा। अब देखो अब ये क्लोजिंग फील्डर कहाँ गए, देखो कोई दिख ही नहीं रहा है, अब एक दो टो कैच चला जाएगा। बहुत सही दादा का फैन, ये किसके फैन है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या किसी इंडिविजुअल के। ओहो हेल्पिटर में जाएगा, कई शख्स के फैन है वो। अरे नहीं यार कहाँ फील्डर कहाँ लगाया भाई, ये आप इतनी कॉल क्यों दिया। अब स्ट्राइक पे है तो चाहेंगे कि स्टाफ को ऑफ स्ट्राइक ना जाने दे, दो गेंदे हैं, दोनों गेंदे खिलाएं। ये ऐसे चालू ही खराब है, इंटरेस्टिंग हो सकता है चालू, मतलब यहाँ पे अभी वैसे रखो अंदर बाहर, जो दो तीन बॉल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है मार्करम के लिए, अगर ये लाइन पर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि स्टाफ को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छी लाइन, इसी लाइन पे इनको दो तीन बॉल और ऐसे ही करने चाहिए जितने भी बचे हैं इनके पास, या एक बॉल रहता है मैं शायद ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है इमरान, दो विकेट और लेना है यार अपना टीम खेल रहा होता है तो। आउट, एक बाउंस पे चल, ठीक है ठीक है, 195 पे साथ 41 ओवर। काफी बातचीत मार्करम क्विंटन डिकॉक के बीच और लगातार ये जुलन कोजे का सातवां ओवर है, सात ओवर लंबा स्पेल, दाद देनी पड़ेगी इस युवा गेंदबाज की, सब कुछ छोड़ दिया इस मैच में स्पेल में। कितनी बार देखा हमने 18 बॉल 54 जीतने के लिए T20 में देखा हमने बहुत बार, और वो देखो मैंने बोला था ना क्लोजिंग फील्डर लगाओ, अब वहाँ लगाएगा, अब वहाँ पे लगा देगा, मतलब क्या मतलब। अरे थक गया थक गया, सात ओवर लगातार कर रहा ना, ये तो टेस्ट मैच का स्पेल चल रहा है उसका बिचारे का। बिल्कुल बहुत शानदार बॉलिंग करते हुए और जो उनके टैंक में बचा है सब कुछ साउथ अफ्रीका के लिए लगाते हुए, मैं समझता हूं कि बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके अंदर कोई मदद नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, और बहुत जान से बॉल करते हुए इसी की वजह से शायद उन्होंने क्रैम्प फील किया है, लेकिन अगर ये अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हो गए तो इसको ये मुद्दतों याद रखेंगे। अब फील जो किया है वो पैट कमिंस ने कि उनका हैंडल टूट गया बल्ले का। क्या बेटा ये तरह से खाने दे, नहीं बोल मैंने कहा ये देखो सर ये वाला कैच पहली बॉल थी, ये मैं क्या कैच लिया था, डाइव किया दोनों हाथ से कैच को फसाया मुकम्मल किया बेहतरीन कैच को, यही बहुत अच्छा बॉल था और ट्रेवर्स हेड
वो गैप बन गया बैट पैड में, अच्छी बॉल पे बोल हुए यहाँ पायर ने बोला आउट और पायर फॉल थी। और ये मैक्सवेल मैच मिला पिछले मैच के बाद, देखो मैक्सवेल भी अपनी गलती से आउट हुआ, स्मिथ भी अपनी गलती से आउट, समझ रहे हो ना। तो यही होता है कि कई बार ना आपको जो बैट्समैन है ना उनके जो माइंड है उससे खेलो आप, उनको भी जैसे बेहतरीन यॉर्कर यार एक विकेट और ले लो दो। जैसे कि अपन मैक्सवेल को सोचते हैं कि वो तो ठीक है ना ऐसे ही मारेगा, लेकिन स्मिथ भी उसी तरह लप्पे वाले साठ में आउट हो गया समझो, जबकि उस समय 30-40 रन ही चाहिए, तो कोई बहुत रन नहीं चाहिए, 50 के लगभग कितने चाहिए थे। पसीने से लथपथ है ये गेंदबाज, इसकी एफर्ट की दाद देनी होगी भाई। चलो हो गया, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया बीच में 2-4 मिनट का, उठा के तालियां बजाओ, बहुत बड़ा एफर्ट है। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा खेला भी है शॉट, अरे यार 4 रन चला गया, बैक के फेस को खोला और फटोरे 4 रन जी। अब तो शॉट है, मैं समझता हूं कि वो विकेट की ट्राई कर रहे हैं और उसमें इस गेंद को उन्होंने आगे किया है, लेकिन ये विकेटों से बहुत बाहर बॉल है और ये किस्म का फ्री शॉट है क्योंकि पॉइंट उनका बाहर की तरफ है और ये बॉल उन्होंने बिल्कुल वाइड किया है और इसकी कोई वजह नहीं बनती कि उन्होंने बॉल वहां पे क्यों किया है। आगे की बॉल फुल बॉल पर तैयार रहे हैं, फुल बॉल पर चाहे बाउंसर का फील्ड लगाया ऊपर फुल बॉल पर विकेट मिलेगा और सही काम किया कमिंस ने जो पिछली बॉल पर चौका मारा, फुल बॉल की रेडी है कि आगे ही बॉल पर विकेट जा सकता है, सही तरीका कमिंस का वहां पे। फिलहाल जिस तरीके से अपने आप को सेटअप कर रहे हैं पैट कमिंस की, या तो शॉर्ट बॉल हो या तो बिल्कुल ऊपर नोज या टोज की तैयारी है। फिलहाल एंगल में बदलाव, अब कोच से ओवर द विकेट आए, वो कई बार ये काम कर चुके हैं, कई बार ओवर द स्टंप राउंड द स्टंप ओवर द स्टंप राउंड द स्टंप, ये इनका प्लान है आज के मैच में कोच का, क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे, क्या मैच जा सकते हैं साउथ अफ्रीका को, वो देखने वाली बात। ये अच्छी गेंद है भैया, ये अच्छी गेंद है, संभाला इस गेंद को क्योंकि देखो अभी भी वो ना लप्पा नहीं मारेंगे, समझ रहे हो ना, भले 14 रन चाहिए लेकिन वो लप्पा नहीं मारेंगे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, इसलिए स्टंप के बाहर मत करो। 212 बॉल पे थे और मैच अब दोनों टेल एंडर हैं, मतलब एक प्रकार से दोनों बॉलर हैं पर अपने तो वो अभी देखो 12-14 रन के लिए टेल एंडर नहीं है, समझ रहे हो ना। बल्लेबाज क्या आप कह सकते हैं प्रॉपर नंबर 11 नंबर 10 हैं, इसीलिए आजकल जो बात के बल्लेबाज उनको बल्लेबाजी आना कितना अनिवार्य है, विश्व कप में नंबर 8, 9, 10, 11 खड़े हो गए डिफेंस किया, अभी देखिए 14 रन चाहिए, ये विश्व कप का सेमीफाइनल है, यहाँ बल्लेबाज कोई नहीं क्रीज पे, सारे दोनों गेंदबाज क्रीज पे हैं और लड़ाई कर रहे हैं सेमीफाइनल जीतने के लिए, डिफेंड करते हैं। और ओ ये बहुत ऊंचा था फुल टॉस, कितना ऊंचा था, नो बॉल जितना, नो बॉल ना दे दे और अंपायर पे है नजरें, जी हाँ खत्म हो गया, नो बॉल फ्री हिट फुल टॉस और काफी ऊंचा फुल टॉस ये, अब वो थक गया भाई, ये बड़ा जल्दी एम्पायर्स ने डिसीजन दिया है और पहले ट्रेजेक्टरी बना रहे थे उस हिसाब से तो नीचे आ रही है, 50-50 कह सकते हैं आप, और जिस तरह के आप रिएक्शन दे सकते हैं कैप्टन का, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि एम्पायर इतनी जल्दी नो बॉल देंगे और मुझे लगता है कि इनको वाइड स्लोअर वन करना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से, और इस ओवर में डीप इतनी स्पीड से बॉल डाली, पहला बॉल 150 बिल्कुल 150 की स्पीड पे बॉलिंग, यहां स्लोअर बॉल पर ये फ्री हिट है, यहां आउट करार दिए नहीं जाएंगे बल्लेबाज, बॉल आ रहा है स्लोअर तक फेंक देता, बोल्ड हो गया स्लोअर बॉल पे, लेकिन क्या मतलब नो बॉल पे।212 रन को डिफेंड करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
सब कुछ न्योछावर किया है दक्षिण अफ्रीका ने। सेमीफाइनल का ये मंच जो सजा था वो शोभा दी है इस लड़ाई ने, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर ईडन गार्डन्स पे। अब भी उस करिश्मे का इंतजार करते हैं दक्षिण अफ्रीका के फैंस। विकेट तो ले लो, एक या दो हिट्स दूर, 12 रन, एक एक रन को इवेंट बनाया उस तरीके से। मतलब मैच तो देखो टैलेंटर ही जिता रहे ना ऑस्ट्रेलिया को। देखो इसमें जबरदस्त मैच, एक विकेट दो विकेट ऐसे लगातार ले ले यार भाई, मजा आ गया। पायदान के लिए बिल्कुल हर रन के लिए लड़ाई हुई है। फिर वो अब देखो इधर एक दो बॉल पे मिल गया रन बाजी के वक्त, एक वाइड पे मिल गया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के वक्त साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी की तरफ से अनटाइडी क्रिकेट, कुछ कैचेस छूटे हैं, हाफ चांसेस। और यहां पर ठंडा दिमाग है पैट कमिंस का, अब सीधी बॉल फेंक देगा ना हर बार नहीं कटा है, क्योंकि भले ही ऑफ स्पिनर डाल रहे हैं उनके खिलाफ, एक तरफ उनके दिल में होगा कि वो फिनिश कर सकते हैं दो हिट से, मगर क्योंकि उनका टेम्परामेंट इतना बेहतर है वो मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ओ कैच की मांग, नहीं लिया, नहीं लिया, इंचेस का ये फासला रह गया, और वही लगेगा दक्षिण अफ्रीका को अंत में शायद। ये हाफ चांसेस, ये तकदीर के इशारे, एफर्ट में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कैच छोड़े हैं उनमें प्रॉब्लम थी। और काश वो मिड विकेट का फील्डर कैचिंग होता थोड़ा सा आगे होता। मिलर थोड़े से तेज गति से स्टार्ट ही ले लेते हैं, ये कह रहा है साउथ अफ्रीका का खेमा। एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट, रोल को बखूबी निभाते हुए एडन मार्करम। अब इसके बाद कौन बॉलिंग करेगा? इसके बाद तो मुझे लगता है ना कोई को नहीं करना चाहिए। इस टाइम यदि वो रहता क्या बोलते रोहित, तो ये मार्करम को उस टाइम शमसी और अरे रोहित रहता तो यहाँ तक मैच में। अभी वो पहले जब पहले ओवर में 6 ओवर में 60 रन बनाने नहीं देता वो, समझ गए ना, वहीं पे स्पिनर ला देता। पर अभी तक मैंने देखा अगर अपन ने 10 ओवर तक स्पिनर अभी तक किसी मैच में नहीं, अरे तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं ने आई रिकॉर्ड रहा ये, हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है। इनको भी एक मैच बॉलर एक स्पिन बॉलर को बचा के रखना था मार्करम को, तब तो बचा के क्या तुम करोगे? नहीं अब जरूरत पड़ रही ना, अब एक अच्छा स्पिनर होता। अरे तो अभी भैया क्वेंटे भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, तो रबाडा क्यों नहीं करेगा? तो तुम उस समय अगर अभी ये 10 की जगह 43 रन होते 43 बॉल में ना, तो ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता। नहीं समझ गए, अभी भी 10 रन बचे फिर उनको बॉल का प्रेशर रहता है। वहां भी तुमको रन बचाने थे जो शुरू में तुमने फ्री फ्लोइंग रेट का प्रेशर रहता है। हां की बात कर लेते हैं, कोएजी आया है, कोएजिया ने इस प्रतियोगिता में जहां सबसे पहला नाम था कगिसोर अबारा का, उसके बाद एंगीरी, फिर मार्को यानसन, लेकिन बताया कि किस्मत के बने हैं। भारत को इंतजार, ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार लगती हुई, 10 रन दूर ही है दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब तक हाफ चांसेस की कहानी 19 नवंबर, पहले ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच हो गया, बोल रहे थे नहीं कुछ तो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो लड़ने तो वो हमेशा जाते ही हैं। अरे यार बताओ 8 ओवर कर रहा है बंदा, लग गई परेशानी में, और आसान रहा है नहीं, थोड़ी ह्यूमिडिटी, 44वां ओवर इनकी स्पेल का, ये 9वां ओवर, इंजरी ट्रीटमेंट हुई ली शायद काफ मसल, थोड़ी मांसपेशियों में खिंचाव, लेकिन सब कुछ छोक दिया। राम दाहिर हमारे साथ बहुत समय से काम करे, लेकिन आज इतने दिल से शामिल इस मुकाबले में, क्योंकि उस दल का हिस्सा रहे हैं, उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं, और वो तलाश रहे थे कि आज की ये टीम वो पीढ़ी बनेगी जो अपने फैंस की उम्मीदों का ऋण चुका पाएगी। और पूरी तरह से स्ट्रगल करते वक्त इस वक्त काफ इंजरी से अपने दाहिने पैर के काफ को बार बार वो स्ट्रेच। अब देखो ये और क्योंकि ना अब वो कहीं पे उल्लू अब उसका चूंकि खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना, तो रबाड़ा को इतना समझदार करना चाहिए कि उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो किसी ओवर में बेचारा पिछले में एक नो बॉल दे चुका है ना, क्योंकि वो फिट नहीं है भाई, पता नहीं इसको क्यों दे रहे हो। अब बगुआ है, ले लो कोई, ये लो, इस बार थोड़ी वीक थी भाई, वो इतना 100% फिट नहीं है, तो वो थोड़ा इधर उधर डालेगा ही, स्पीड भी नहीं रहेगी वो। बहुत प्रभावित किया है इस विश्व कप में, और भारतीय टीम ने कुछ देर पहले मुंबई में सेमीफाइनल को एंजॉय करके एक चीज देखो
इसमें इसमें जो कोच है भारतीय टीम का राहुल द्रविड़ और जो कैप्टन है रोहित शर्मा, दोनों जख्मी शेर हैं। जख्मी शेर का मतलब 2011 के विश्व कप में लगा है, 2011 के विश्व कप में रोहित को भी नहीं लिया था, द्रविड़ को भी नहीं लिया था। द्रविड़ अपने कैरियर के आखिरी में था तो उसको नहीं लिया था, और रोहित अपने कैरियर के शुरुआत में था तो उसको भी नहीं लिया था। तो इस बार दोनों के पास मौका है वो 2011 को बुलाने का, और इस बार तो बिल्कुल नहीं एक टीम नहीं बनी। 19 तारीख को वो ट्रॉफी जीते कैप्टन रोहित, 9 रन चाहिए 37 बॉल, क्या कहानी रही। कोइट जे बॉल कर ये बॉल टॉस डॉट गेम, एक और बहुत अच्छा ओवर जनरल को नहीं हम मत करा उससे भाई, वो थक चुका है। जा भैया तू जा किसी और को पूछा दे उसने कितने कम गेंद पे मारे, सब उसकी बात कर रहे हैं। रोहित की मेरा देखो जो क्रिकेट में चाटुकार हैं वो रोहित सर, वो किसकी बात कर रहे हैं, कोहली की। लेकिन जो असली है जो उस मैच के लिए जो ज्यादा है ना उसमें सब श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैच अगर जिताया है तो श्रेयस अय्यर की इनिंग में जीता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम लेकिन हौसले बुलंद और समय बहुत ऑस्ट्रेलिया के पास। मैंने तो पूरी एक लिस्ट निकाली ना, लेकिन किस खिलाड़ी का कितना योगदान था मैच जीता है, सबसे ज्यादा योगदान मोहम्मद शमी का था, दूसरा योगदान श्रेयस अय्यर का था, है ना, तो दूसरे नंबर पे था। क्या कर रहे हो भाई, कैच छोड़ दिया फिर से लगता है। क्या वहां पर अंदरूनी किनारा था क्योंकि ललचाया था, और जिस तरह के हाव भाव है माकरम के पिंटन डिकॉक की तरफ रुख अपनाना होगा, मगर देखते हैं क्या अंदरूनी किनारा था। बिल्कुल था, और वो कैचेबल हाइट के ऊपर भी था, काफी धीमी गति से गई थी वो गेंद। ये इमोशन बस आंख में से आंसू ही बाकी है, बाकी इमोशन साउथ अफ्रीका के। अरे कोई भी आउट होता है यार, कमिंस ही। अरे कोई अभी समझ रहे हो विकेट का बहुत मतलब है। डिकॉक ने भी दो डिकॉक तो असली चोकर है ना, वो तो कब से खेल रहा है। क्या आज भी कितने दूर कितने पास वो नजारे रहेंगे साउथ अफ्रीका के लिए, हम नजारे ही हैं। एक और अभी आउट हो जाता तो और प्रेशर आ जाता। और जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है देखो, एक ये छोड़ा देखते हैं वो ड्रॉप्स की तरफ नजर डालते हैं, ये तो देखिए काफी बड़ा डिफ्लेक्शन, ये भी अंदरूनी किनारा, क्योंकि अक्सर विकेट कीपर जो है वो तैयार रहते हैं, अंदरूनी किनारे पकड़ना बहुत ही एक कठिन काम होता है विकेट। अरे तुम नहीं कर पाए विकेट कीपर, तुम बहुत बड़े थे तो तुम दूसरे को भी सोचोगे क्या भैया, विश्व कप जीतना है तुमको तो ये सब करना पड़ेगा। अगर अपने केएल राहुल अच्छे कैच ले रहा है, बारिश कर देते, ये तो कैच ही इतने आसान नहीं है, तो ये ना कहे कि क्विंटन डिकॉक ने दो कैच छोड़े, शायद आखिरी मुकाबला क्विंटन डिकॉक का, वो कैच कमाल का पकड़ा था स्टीव स्मिथ का। आखिरी गेंद स्लिप भी वहां पे मौजूद, बीच में से एक और रन नजदीक पहुंचती हुई ऑस्ट्रेलिया, 45 समाप्त हुए हैं, अब 7 रन चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर मुकाबला एकदम एक तरफा हो सकता था। ओपनिंग स्पेल्स मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की, जिन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया था टॉप ऑर्डर को, फिर आए डेविड मिलर रेन ब्रेक के बाद। ऐसा लगा कि वो चार विकेट गिरी है उनको अंदाजा ही नहीं, वो सिर्फ गेंद खेलने आए, वो स्कोरबोर्ड के प्रेशर को झेलने नहीं आए, गेंद की मेरिट पे खेला, खेल को चलाया डेविड मिलर ने, एक चोट पूरी तरीके से अपने नाम रखा। मैंने कि देखिए जो लेफ्ट हैंडर है ना, फाइनल में जहां दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहली बार शतक आया, मिलर के पंच को इस तरीके से डेविड मिलर का, लेकिन अभी मन में चले ग्रैंड लग रहा वो, इसलिए देखते क्योंकि लेफ्ट ही कम होते हैं ना। 20 पार करा पाए बताओ, अच्छा यॉनसन को लाया, पूरी तरह से सहमत। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए और 50 रन किसके बल्ले से आते, मिलर का कौन साथ देता, क्या क्लासन थोड़ी देर और खेल पाते, और ये इफ और बट्स का वो सिचुएशन। एक और बार साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में काफी करीब आते हुए, लीग फेज में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 6-7 बार 300 के ऊपर लीग फेज में 400 बना रहे थे
मार्को यानसन, युवा मार्को यानसन। चल यानसन, अब तुम ले मार्को यानसन, मार दे। अरे तुम नो वाइड बॉल ना दे देना इस तरह चक्कर में। अब देखो ये क्या प्लान कर रहा है, ये भी वही प्लान कर रहा है, समझ रहे हो ना? दो बाहर बाहर देगा और एक सीधे अंदर ही, ये आपका। लेकिन वो सामने वाला भी आठ नंबर पे आपको वो पैट कमिंस जैसा बल्लेबाज, नौ नंबर पे वो बल्लेबाज मिलता है और फिर एक छोड़ संभाल के रखता है, मैक्सवेल को अलाव करता है कि आप रन बनाइए, मैच जिताइए, दोस्तों बना देता है। यहाँ पे भी विकेट गिर गई थी, यहाँ पर विकेट गिर गई थी, परेशान थी ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क को संभालना था एक छोड़, कमिंस को संभालना था एक छोड़, ये दोनों ही बल्लेबाज आठ नौ नंबर के बल्लेबाज, एक ने 32 गेंदे खेली, एक ने 24 गेंदे खेली है। स्लोली स्लोली ये अपनी जीत की तरफ अग्रसर होते हुए हैं। बढ़िया खेल रहे हैं, मतलब आप लोग अपने इतने अच्छे नहीं खेल पाते। है हेजलवुड है आप, नहीं अपन सामी को अपन से इतनी नहीं करते की तलाश होगी। बुमराह सामी, हां बुमराह सामी से नहीं कर सकते हैं, बट जडेजा इन सबसे बहुत बेहतर स्टंप में तो बिल्कुल होगी, होनी भी चाहिए। मार दे भाई स्टंप में, स्टंप में बिल्कुल स्टंप में गेंदबाजी। चार रन लेकिन उसके लिए तैयार थे मिचेल स्टार्क, चौका जड़ गया। ये बाउंसर के बाद आगे लेंथ आनी, वो सेट करके खुद भी तेज गेंदबाज है, खुद भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, उस एंगल को बेहतरीन तरीके से खेला। अब ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल खेलने से एक शॉट दूर, ये बेहतरीन चौका मिचेल स्टार्क का। उस तरीके का मुकाबला जहाँ कोई कसर छोड़ी नहीं दक्षिण अफ्रीका ने गेंद के साथ, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया अपने आठवें फाइनल से सिर्फ तीन रन दूर, इम्तिहान करा लिया। ये गेंदबाजी उस तरीके की हुई है जिसमें दक्षिण अफ्रीका को नाज होगा, लेकिन क्यों सेमीफाइनल नहीं जीत पाते ये अब भी एक राज है। ये कहानी, ये पड़ाव जहां पे आके बार बार लड़खड़ाए हैं 1992 से बड़े स्क्रीन पे, 1999 वेस्टन में वो टाई, 2007 में एक तरफा ईडन पार्क, आज ईडन सेमीफाइनल का हर्डल 210 के साथ 24 बॉल में 3 रन चाहिए। माकरम शायद ही अंतिम ओवर है, पिछले ओवर में जब एक और बहुत मुश्किल चांस पीछे से छूटा, 47वें ओवर तक ले आए आप इस मुकाबले को, 47वें ओवर तक। और ये अच्छी चेज रही है क्योंकि जिस अंदाज में नई गेंद के खिलाफ वो तेजी से रन आए हैं वो चेज करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए, क्योंकि ट्रेविस हेड ने चांसेस तो बहुत लिए और उनका दिन भी था, मगर वो 62 रनों की पारी जिसने काफ़ी आगे कर दिया पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ इस ऑस्ट्रेलियन टीम को। अब देखना बमों वहां पे लगा दे बुला रहा है, जा 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 इधर लग जा। मतलब बोला ना कि जैसे बच्चे नहीं होते निराश होंगे कि फाइनल की तरफ वो पहुंचे नहीं, लेकिन कई मैचेस में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छे लड़े हैं ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, और इसमें से कई खिलाड़ी आपको बहुत साल तक खेलते हुए नजर आएंगे, कई युवा चेहरे इस टीम में, सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर। एक रन से स्कोर होगा लेवल, इनफील्ड के ऊपर से खेल एक टिकट और लेना है, मुकाबले को रोते रोते जीतने का नहीं होगी। हेनरी क्लासन, एडन मार्कर, राफी फैंडरसन, क्विंटन डिकॉक, क्लासन कितना बड़ा नाम लेके आया था इस पूरी प्रतियोगिता में देखा। अच्छा विद द टर्न खेले, लेकिन आज वो दबाव महसूस किया और वही चुनौती थी वो पहले कुछ ओवर्स में जो झिझक थी, जो दबाव था पहले ओवर में, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई लेकिन वो पहले 10-12 ओवर में जो दबाव बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, ओह क्या करना चाहते थे यहाँ, पक्का करना
बोल्ड हो जाता। 40वें ओवर तक जाएगा ये मुकाबला दोस्तों, के मायने ये मंच, ये इमोशंस, ये दबाव, ये खूबसूरती इस प्रतियोगिता की, और एक प्रतियोगिता जिसमें इन बड़े पलों को किसी ना किसी तरीके से जीतना अपनी आदत बनाए रखा है ऑस्ट्रेलिया ने। अभी वो देख रहे थे सिर्फ एक बार सेमीफाइनल हारे हैं, सिर्फ एक बार, और ये लगातार इनकी आठवीं जीत होगी इस विश्व कप में। पहले दो मैचेस हारे, उसके बाद अविजित रहे, सात मैच लाइन से जीते लीग स्टेज में, और ये सेमीफाइनल के जीतने के कगार के ऊपर। दो रन की जरूरत, भारत और ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां होंगी अहमदाबाद में। मतलब बॉल भी कितनी कम बची, 17, मतलब अभी 20 रन और एक्स्ट्रा होते हैं, 25 रन एक्स्ट्रा होते तो अभी वो सब कहने की बात है भाई। आदमी उसी हिसाब से सेटलमेंट करता है, रन उसी हिसाब से बनाता है, वो 20 रन नहीं 50 रन भी अधिक होते। इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले 10 ओवर में लोगों ने इतने रन दे दिए ना कि वो सब बर्बाद कर दिया इन लोगों को। पहले 10 ओवर बहुत खराब था, कैप्टन से ऑस्ट्रेलिया। चलो कोई बात नहीं, हम तो चाहते थे साउथ अफ्रीका पहुंचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है फाइनल में और वो डिजर्व करती थी पहुंचना। तुम क्या बोल रहे हो? नाउ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती थी। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से कैच छोड़े, पहले तो बैटिंग में इतना घटिया खेला, फिर कैच छोड़े, फिर पहले 10 ओवर में इतने रन दे दिए, तो कहां से जीतोगे? इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया होगा फाइनल, और फाइनल में क्या चाहते हो, कौन पहली बैटिंग करे? सोचते अच्छा अभी सोचोगे, चलो सोच लो, बहुत टाइम है अभी, चलो मिलते हैं फाइनल में।